नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। स्वागत है आपका एक बार फिर बाबा भाई की छत पे। भोपाल पिजन से हमारे साथ जुड़े हुए इमरान खान साहब, डॉक्टर इमरान भूरा भाई और सोनू भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सेकंड पार्ट अभी स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने भाई बाबा भाई के कबूतरों का। और बाबा भाई, ये सारी जो नस्लें आपने जमा की है, ये मतलब ऐसे हीरे आपने जमा किए हैं, मतलब मैं इन कबूतरों में अगर आज रात को सोऊंगा तो मेरे सपने में शायद ये कबूतर आ सके, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि कबूतरों का क्या साइज और क्या खूबसूरती, माशाल्लाह। ये मेरी नजरों में तो अगर ये कबूतर एक मिनट भी ना उड़े, वैसे तो इनमें उड़ान बेशुमार है, लेकिन एक मैं शौकीन के नजरिए से बोल रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इनको देख के अगर कहीं चली जाऊं तो मेरा दिन पूरा अच्छा चली जाए, इतनी इनमें खूबसूरती और इतनी इनमें बातें। तो वो जो आपकी मेहनत है, चारों की मेहनत जो रंग लाई है, उसके लिए तो आप क्या कहने, बहुत अच्छी नस्ल है ये। और मैं चाहता हूँ कि इस नस्ल को आप हमेशा इसी तरह से काबिल कीजिए और बनाइए इनके बच्चे और अपना नाम रोशन कीजिए। तो भाई, सेकंड पार्ट में अभी हम लोग आ गए हैं और इमरान भाई के पास हम लोग आते हैं आज। ये इमरान भाई भोपाल के जो शौकीन हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा नाम अगर हम लोग, मैं अगर सुनना चाहूँ भोपाल पिजन में, तो किसका यहाँ पे सबसे बड़ा नाम है? फ्लाइंग के तौर पर कबूतर बास तो करीब 5,000 से ज्यादा है भोपाल के अंदर। जी जी जी। लेकिन एक तो होता है नस्ल बनाने वाले और एक होते हैं उड़ाने वाले। उड़ाने वाले होते हैं वो क्रॉस करते हैं, नस्ल बनाने वाले तो प्योरिटी फॉर्म में रखते हैं। जी जी जी। ऐसे उड़ाने वाले अगर माने तो बहुत सारे हैं, परवेज भाई हैं जी, माने हुए वसीम भाई जी, बहुत नाम चलता है जी। हमारे यहाँ पे बाबा भाई के नाम से बहुत जी जी बहुत सारे हैं। हमारे पप्पू उस्ताद जी जी जी, पप्पू काशी जी जी जी, बहुत जी जी। तो मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसा किसी का नाम नहीं है, लेकिन सब अपनी जगह पे सब अलग अलग है। जी जी जी। तो इमरान भाई, क्या देखने को मिलने वाला है अभी सेकंड पार्ट में? जो किंग साइज है, जिनके हमने लगातार जो ब्रिज उड़ाई है, जी जी, छोटी कबूतरी लगाते हैं हम जब भी उड़ाने के लिए बनाते हैं जी। तो इन कबूतरों से छोटी कबूतरी लेके आते हैं, वो लगाते हैं, उनके बच्चे पे हम उड़ाते हैं। क्या बात है। तो ये सारे जो कबूतर ये इतने किंग साइज में जो मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े कबूतर है, इनमें उड़ान कि मैं अगर बात करूं तो कितने घंटे मिनिमम फ्लाइंग टाइम है इनका? देखिए, भोपाल के लिहाज से सर्दियों का शौक है। जी जी जी। और अगर बात करें, जैसे आप देख रहे हैं प्योर खालिश कबूतर है। जी जी जी। तो मेरा एक ही कहना होता है, खालिश कबूतर है तो उड़ान शाम तक है, और जिस कबूतर की उड़ान शाम तक है यानी कि खालिश कबूतर है, प्योर है वो। जी जी जी। इसके अलावा कोई बात नहीं होती। क्या बात है, खालिश कबूतर है तो भाई उड़ान शाम तक है, और उड़ान शाम तक है तो खालिश कबूतर है। ये लाल साहब बोला करते थे। जी 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 जी। भोपाल के सबसे आला उस्ताद है। जी जी जी। मतलब वो उनका वर्डिंग सही है जी। ये उर्दू में हो गया, और अगर हिंदी में हम लोग बोले तो बोलते हैं नस्ल ही असल है, और असल ही नस्ल है जी, बिल्कुल। तो वो ये बात हो गई। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम जो किंग साइज के कुछ ब्रीडिंग वाले पेयर्स बचे हुए उनको हम आपको शो करा देते हैं। ये देखिए, सेकंड पार्ट का फर्स्ट जोड़ा, थोड़ा धूप में चले चलते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक कबूतरों के ऊपर धूप नहीं पड़ती ये ऐसे हीरे हैं, जब तक इन पर रोशनी नहीं पड़े चमकते नहीं है। क्या बात है, थोड़ा सा तब भी, लेकिन ये जाली के कारण, और हाथ इन्हें बड़े इतने हैं। और ये देख लीजिए, ये नर है जो हम दिखा रहे हैं, जितने भी कबूतर है, ऐसा नहीं है कि इनकी पर्टिकुलर ये जोड़ हमेशा रहती है। जी जी। हम तीन झोल बच्चे करा के फिर चेंज कर लेते हैं जोड़। क्या बात है। नर के साथ फिर दूसरी मादा के साथ क्रॉस करवाते हैं, ऐसा जबरदस्त नहीं है कि एक जोल बना के रखिए। बस यहाँ रखिए इस एंगल। क्या बात है, बहुत शानदार। इसके पास देखिए आप, क्या एक सीध में जा रहे हैं। इसका देखिए दसवा पर ज्यादा होता है ना। जी जी। इसका ये वाला जी जी, ये दसवा आ रहा है इसका। जी। साइड देखते हैं, इसका भी आगे दसवा झाड़ रहा है। जी। जिस कबूतर का भी इससे बता दो, ये दसवा पर होता है ना। जी। अगर ये दसवा पर बाहर की तरफ निकला हो, नवे से आगे, हाँ, तो वो उड़ाने के लिए ही डालिए कबूतर, कोई साइड नहीं। वो उड़ाने के लिए डालना, वो ब्रीड में काम का नहीं है। ब्रीड में काम करेगा, लेकिन जो उड़ाने में करेगा वो ब्रीड में नहीं करेगा, जो ब्रीड में करेगा वो उड़ाने में नहीं करेगा। सब ब्रीडिंग तो सब कर देते हैं, सब कोई नहीं। जी जी। उड़ाने वाले कबूतर की जो निशानी है वो सबसे ज्यादा वो आपको बता दें, दसवा पर नवे से बड़ा होना चाहिए। दसवा पर नवे से बड़ा होना चाहिए। क्या बात है, वो उड़ेगा कबूतर बस। इसके पंजे देखना चाहूंगा, लंबे नाखून है पंजे, और ये बीच की उंगली भी बहुत लंबी है। जी जी जी। और इसमें जो रिंग्स होते हैं ये 11 से ज्यादा होना चाहिए। क्या बात, अच्छे कबूतर की निशानी। जी जी जी। ये देख लीजिए भाई, ये फीमेल है इसकी। क्या बात है, बहुत शानदार।
लगा रहे हैं जी। की आँख एक बार और दिखा दीजिए मेरा, इसी जी पंजे जी। तो ये देख लीजिए भाई, ये पैर बैठा है, यहाँ अनर है और यहाँ मार्जिन। सेकंड पार्ट का ये सेकंड जोड़ा दिखा रहे हैं आपको, ये जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में सबसे फर्स्ट कबूतर जो दिखाया था लाल गोल्डन, उसी के बच्चे हैं। क्या बात है, लाल गोल्डन क्या पूरा कबूतर, क्या बात है। इसकी आँख ये देखिए, ये है मेल की आँख, क्या बात है। थोड़ा सा हाँ, ये देखिए भाई अब दिख रहा है, क्या बात है। शानदार, तुम ऐसे रखना तुम इसके, क्या बात है, कासनी तुम, क्या बात है जी। ये छोटे साइज में निकाली है माता, नहीं बच्चे इनके किंग साइज में आते हैं। नहीं ये हमने उड़ाने के लिए लगाए जी जी, जो लगाता है बच्चे लेते हैं उनमें जो छोटी माता निकलती है जी जी, वो पहले या तीसरे नंबर के नर्स से लगा देते हैं इसे। तो ये छोटी माता निकली थी तो उसके पहले नर्स से लगाया हमने ये, तो इसके आप और देखिए आप, क्या बात है। ये देखिए सारे कबूतरों की आंख अगर आप देखें तो शरबती आंखें जो है, शानदार इसके पर देखिए आप, अभी आठ कली में है मादिन, क्या बात है, बहुत शानदार। क्या बात है बाबा भाई, क्या की ललसरी जोड़े, छापदार ललसरी जिन्हें बोलते हैं, आपके इधर जो है छापदार बोलते हैं, चले हुए छापदार बोलते हैं, और यहाँ पे ललसरे बोलते हैं इनको, छपे हुए ललसरे, छपे हुए ललसरे। वो भोपाल जो है, भोपाल में जो कबूतरबाज है उसके यहाँ ललसरे ना हो, मतलब बहुत कम लोगों के हिसाब से ललसरों के बहुत शौकीन है लोग, और ललसरे हर घर में मिलेंगे। मैंने जो शुरुआत करी थी वो इन्हीं से करी थी, मेरा भी पहला शौक ललसरे ही थी। क्या बात है, तो ललसरों से खास लगा हुआ है भोपाल को, ऐसा कुछ खास रीजन है? ललसरों के बहुत शौकीन है, शौकीन लाल कबूतर ज्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत शानदार। तो बाबू भाई कितने साल पुरानी जोड़े ही है ये? तो अभी नया नए पट्टी, नया पट्टी नए जोड़े। अच्छा अच्छा, इनका आपको दादा दादी जो खानदान है वो है इनका मुझे। ओके ओके, तो पहले तो जोड़ देख लेते हैं हम, ये देखिए जोड़ घर की आंखों से स्टार्ट करते हैं। पकड़ना क्या बात है, शानदार, वाह। और पास में चलते हैं, देखिए भाई क्या बात है जी भाई, पंख देखना चाहूँगा, क्या बात है, देखिए पंख, ये इसके नाखून है सुर्ख जामनी नाखून, काले पंजे, क्या बात है, बहुत शानदार। मादिन दिखा देते हैं, इसकी मादिन है छापदार पूरी छपी हुई ललसरी। और इस जोड़ में अगर ये वीडियो देख रहे हैं भोपाल वाले और बाहर वाले देखेंगे तो इनमें खास बात ये देखिए, इनके चोंच में कहीं भी गुलाबी पन नहीं है, इनके जावे पर भी गुलाबी पन नहीं है, क्या पूरी जो इनकी काली चोंच रखी है और पूरा काले नाखून है इनके, और पलके भी देखिए इसकी काली है। तो इनमें ये जो कलकत्ता वाली ब्रीड आती ललसरी उनका कहीं से कहीं मेल नहीं है, कलकत्ता की ब्रीड का कोई टच नहीं है इसके अंदर, प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में ये, क्या बात है। अभी पर आ रहे हैं इसके, ये पट्टे हैं ये, अभी ये पट्टे हैं, नए पट्टे हैं, सातवीं कली कर रहा है अभी। हाँ। देखा है इनको तो कोई भी बोले बड़े हो गए हैं बिल्कुल, तो अभी इनका साइज और बढ़ेगा मतलब। हाँ। क्या बात है, इसकी दुम है पूरी, जो ललसरों में लोग देखना चाहते हैं वो छपी हुई लाल दुम,
क्या मतलब है? पूरी दुम में भी डॉट्स में भी लालपन डॉट्स हो वो देखना पसंद करते हैं लोग। क्या बात है, तो पूरी छपी हुई कबूतरी है और लाल दुम है इसकी। क्या इसके भी देखिए आप नाखून पूरे काले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जोड़ छोड़ के दिखाऊंगा नीचे। जी जी जी, खड़ी तकती के कबूतर है एकदम। जो ये लसरी जोड़ आपके सामने छोड़ी है जी, उनका दादा को दिखाऊंगा। ये दादा है उनके, दादाजी। हाँ, और इसका इसका जो मतलब इनका जो लसरी जोड़ है जो पीछे इसका जो मतलब बाप था जो जी, वो पिछले ठंड में 6 बजे तक पड़ा, 6 बजे अगले दिन पिटा है वो। अरे बाप रे, तो वो पिट गया, वो नहीं रहा वो। जी जी, उनके बच्चे इनके बाबा भाई के, मैंने बच्चे पचा दी थी अपने यहाँ से। जी जी, तो ये बच्चे बड़े हो गए बाबा भाई के, वही उनका दादा है। ये तो गलवा कबूतर दिख रहा है, ये गलवा कबूतर दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर कल से मतलब छपी हुई छाप लाल मादी लगाई थी, उनसे बच्चे बने, उनसे बच्चे ब्रीड बने। क्या बात है, अरे गलवे के भी क्या कहने हैं। ओहो हो, क्या कबूतर है ये भी। ओहो, रूह खुश हो गई आज तो भाई। और मुझे क्या देखने को मिलने वाला है, अभी तो बहुत सारी शूट्स बाकी है। और ये गलवा कबूतर भी जो है हमारे भोपाल के जो समीर भाई हैं स्टेशन वाले, जो स्टेशन के नाम से फेमस है, उनके यहाँ का कबूतर है ये, उनसे मैंने लिया था 200 रुपये में मात्र। क्या बात है, उनसे मैंने ये बच्चे और नस्लें बनाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब नस्ल की समझदारी हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, अच्छी चीज बना सकता है। बिल्कुल, इसकी आप दुम देखेंगे, इसकी दुम में भी देखिए जो लाल पना है वो कबूतरों के बॉडी पे आ रहा है, बच्चों में वही चीज दिख रही है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्प्रेड जो होता है, हाँ। इसको स्प्रेड जीन्स बोलते हैं हम, हाँ। लोग इसको स्प्रेड जीन्स बोलते हैं, जब जो अपने कलर को स्प्रेड कर लेते हैं खुद के ऊपर दूसरे के ऊपर, और इसके जो बच्चे हैं वो भी स्प्रेड जीन्स में ही आते हैं फिर। ये देखिए भाई दादाजी, और ये दोनों दादाजी खड़े हुए हैं, दादाजी वर्सेस दादाजी। ये जो कबूतर है सबसे पुराना कबूतर है, इसकी उम्र लगभग 24 साल है। ये कबूतर भी एक बार दिखा दीजिए भाई, ये किंग साइज का कबूतर है ये भी। और इसके बच्चे जो है ये दिखा देता हूँ आपको, सबसे पहले इसका ये बच्चा है, इसका ये एक बच्चा है, ये इसका बच्चा है, और वो शायद वो कॉर्नर में एक है, एक ही कॉर्नर में ये बैठा है इसका बच्चा जी, वो बैठा हुआ है। ये भी इसका ही है, लास्ट वाला ना, हाँ ये लास्ट वाला, और एक वो पीछे बैठा हुआ और वो कोने में, हाँ ये देखिए भाई, ये एक इसका है, और ये जो 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 जिसको देख रहे हैं आप, ये इसका है, ये ऊपर ये वाला, और ये एक, ये तीन बच्चे हैं भाई, ये भी इसी का बच्चा है, और ये भी इसी का बच्चा है, हाँ। और जो कंजली आंख जो बोलते हैं, हम बोलते हैं, हाँ उसमें निकले के बच्चे। क्या बात है भाई, माशाल्लाह, जो कंजी आंख के लिए लोग काफी, और जितने भी व्यूअर है भाई इस कबूतर को देख के माशाल्लाह जरूर बोलिए। क्या बात, गन मेडल आइस जिसे बोलते हैं। ओहो हो हो, बाबा भाई क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है अभी फिलहाल, स्पीचलेस हूं मैं, ये चीज क्या रखी हुई है आपने। और सच में ये जो मेहनत है आप देखिए ना, ये इन्होंने एक झाड़ लगाया और उसमें फल देखिए आप किस किस तरह के हो गए। और आप सभी लोगों से मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मेहनत कीजिए और ये ब्रीड आप खुद बनाइए। अब बाबा भाई को कोई नहीं बोल सकता है कि ये ब्रीड इन्होंने मेरे से खरीदी है, ये सारी मेहनत आपने जो की उसका आपको ये फल मिला है, और ये आप चारों की मेहनत है, चारों ने मिलके आपने जो बनाया है उसका ये जो आपको मिला है आज, ये सारी चीज तो शायद ही आपको कहीं मिले। तो भाई ये देखिए सबसे पुराना कबूतर है, अभी लगभग 20 से 24 साल के बीच में इसकी उम्र है, आंखें तक मतलब वो हो चुकी हैं, आंखें तक इसकी अभी काम नहीं दे रही है। ये बच्चे दिख रहे बाजरे जो बड़े बड़े बच्चे हैं, और ये कबूतर ने पिछले साल ब्रीड की हुई है, ब्रीड करी हुई है, अभी भी कर रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों की वजह से ये ब्रीड नहीं कर पा रहा है, मतलब इसको फीमेल दिखती ही नहीं होगी, अब नहीं दिखती, एक आंख इसकी खराब हो गई है। कबूतर का साइज और इसकी जो पैर की जो मोटान देखेंगे, उसे पंजे देखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा लोगों को कि यहाँ कितना बड़ा कबूतर रहा होगा ये। क्या बात है, और इसको हम लोग कंपेयर करने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें रखी हुई है, आप यहाँ छोड़ दीजिए इसको, इसको आप कंपेयर करके दिखाएंगे जी, छोड़ दीजिए। तो भाई इसको हम लेके यहाँ पे गिलास रखा हुआ है, तो आप देख लीजिए गिलास इसके सामने कितना सा लग रहा है, ये देखिए भाई ये गिलास यहाँ रख रहा हूँ मैं, ये देखिए गिलास का साइज,
इसकी एक आंख खराब हो गई है, अभी दोनों आंखें खराब हो चुकी हैं, इसको दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल। और मैं मेरे हाथ पे लेके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसका साइज क्या है, क्या बात है। और ये होता है प्यार, अभी तक इस कबूतर को संभाल के रखा हुआ। शायद मैंने एक पार्ट बनाया यहाँ का जी, उसके अंदर साफ साफ दिखाया इसके बराबर की मादिन लगाई है, वो सिर्फ हमने इस नर के बराबर बच्चा निकालने के लिए लगाई थी, मैंने लास्ट ही डाला था ये पार्ट है। जी इसमें यही नर था वो जिसमें हम मादिन बड़ी मुश्किल से चूज करके लेके आए थे, और माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने, इससे बाबा ने बच्चे निकले बराबर के, उससे जैसे बच्चे भी निकाल दिया उसने। क्या सिर्फ ये था कि बाप के कलर पे एक बच्चा निकल जाए हमारे पास, ताकि ब्रीड बन गए। अब जो आप जो दिखा रहे हैं कबूतर, इसकी फीमेल नहीं है? इसकी फीमेल हम अलग अलग चेंज करते रहते हैं, अभी ये इस लोक का मेरा फेवरेट कबूतर है। क्या बात, इस कबूतर के लिए कई लोगों ने ये दे दो, मैं क्या ये घर से कभी बाहर नहीं जाएगा। क्या है इसमें, लेकिन इसमें इतना खास चीज क्या है? ये लगाव है इससे मेरा कि कबूतर कई जो आप आग देख सकते हैं जी, और जो खास है कि पूरा लाल है और काली धुआं पूरी सिया। क्या बात, इसमें खासियत ये है, क्या एक लगाव हो जाता ना कोई भी कबूतर, एक कबूतर से जो लगाव होता है वो इस कबूतर से है मेरा। क्या बात, इसकी आग देखिए आप, ओहो छोटी पुतली का कबूतर है, बिल्कुल छोटी पुतली का कबूतर, और क्रीम में आग किए हुए बहुत शानदार। पर देखिए आप, अभी भी इसकी उम्र करीब 8 या 9 साल है। जो जले हुए छापदार हम लोग बोलते हैं, जो जले हुए पर के बोलते हैं जी, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये जले हुए लग रहे हैं, ऐसे जले हुए हैं जी। क्या और अभी भी उड़ान इसकी, इसकी धूम खोल के दिखाइए एक बार, मुझे धूम खोल के दिखाइए इसकी, अभी धूम तो आ रही है इसकी, आ रही है खुली पे, लेकिन काली सिया, पूरी सिया काली है अंदर से आ रही है। क्या बहुत शानदार, पंजे देखना चाहूंगा इसके, शानदार। इसकी फीमेल, इसकी फीमेल कहीं लगा रखी है हमने, वो दिखाता हूं। ये इसकी फीमेल बाबा भाई के हाथ में है, ये फीमेल लगा रखी, इसकी आंख ट्यूबलाइट की सी चमक रही है, और यहाँ से आंखों में जो चमक है इसकी, ये देखिए बाबा, क्या बात है, बहुत शानदार, ओहो हो, क्या बात है। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है मेल से, थोड़ा अलग कलर का है इसका, क्या बात है। और इसकी आंखें इतनी नशीली है कि प्यार में पड़ जाए कोई इसके, ये देखिए यहाँ से आप देखें तो क्या मतलब, इतराना जो बोलते हैं कबूतरों में, ये देखिए इसकी इतराहट देखिए आप, क्या बात है। ये अभी नई पट्टी है जी, हाँ इसके लिए अभी ये फुल मस्ती में है, मतलब उसका जो रुबाब है कबूतर का आप समझ, और यहाँ से देखिए आप आंखों की चमक ऐसी रहने दीजिए, इसकी आंखों में ये देखिए जी, ये जो कबूतरी है जीरो गली के अंदर 4 घंटे उड़ी हुई है, इसकी आंखें ही बता रही है क्यों नहीं उड़ेगी, जीरो गली के अंदर, ये मेरे घर को, और ये जीरो गली में तभी उसको काट के पटक दिया था, मेरे कलर भी बहुत मुश्किल से निकला ये, और जो कलर बनेंगे इससे जी कबूतर लग के जी वो बात ही अलग होगी, आंखों की भी बात अलग आएगी, कलर में भी बात अलग आएगी इसका। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कबूतरी आपकी रात में भी उड़ने लायक है, इसकी जो आंखों का स्ट्रक्चर है, मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जो तजुर्बा है आज तक कबूतरों के लिए, कि रात में उड़ने की काबिलियत इस कबूतरी के अंदर है। इस चमक वाली जो कबूतर है बहुत कम होते हैं ऐसे कबूतर, वो एक ब्रीड ही आती है। इसमें भी सिया काली दुमके भी निकलेंगे, अगर से निकलेगा और प्योर लाल दुमके भी निकलेंगे दोनों। इसमें आपका टैग लगा हुआ है जी, मेरे बताया ना मेरे घर पे उड़ी हुई है। क्या जो कुछ अच्छा कबूतर निकलता है जी तो उसे जाया करने से बढ़िया उसकी ब्रीड बनाई जाए, बहुत तो ये वो कटा हुआ कबूतर है जी। भाई ये कौन सा कबूतर है, सुनो भाई कबूतर है जी ये काफी पुराना हो गया है, 2-3 साल पुराना हो गया है जी और इसके बच्चे जो है बुरा भाई ने टूर्नामेंट में उड़ाए थे लास्ट साल, मरुण बुरा भाई टूर्नामेंट जो हुआ था हमारे घर जी उसमें इसका बच्चा उड़ा था जो शाम को 4 बजे उतरा था। क्या बात है, सबसे आखिरी में वही कबूतर इसका बच्चा उतरा था। कासनी तो वैसे ही भोपाल के कासनी कबूतर बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, तो कासनियों की बात ही कुछ अलग आती है। इसकी आंख देखना चाहूंगा मैं, क्या बात है, जी शानदार, बहुत शानदार। इसका बेटा भी
दिखाया था जी जी, ये उसके मैं पट्टे दिखाता हूँ क्या आप है? ये पट्टे जो है इसके पट्टे हैं, ये नर है ये मार। ऐसा करके एक बार जोड़ा दिखा दीजिए, बहुत शानदार, क्या बात है। ये है मेल कासनी, क्या बात है, बहुत शानदार। जी क्या, एक पर आ रहा है शायद, ये टूटा हुआ है ना, ये पर टूट गया इसका, एक आ रहा है, इसके लिए इतना बड़ा गैप दिख रहा है। जी ये फीमेल है, इसकी आंख दिखाइए, देखिए ये पूरे इन ब्रीडिंग वाले प्योर फॉर्म में। हाँ पहले और तीसरे नंबर के जोड़ लगी है अब। जी जी जी, एक मिनट, ये नर जो मस्ती कर रहा है वो देख लीजिए सबसे पहले आप, क्या बात है, क्या होता है जब कबूतर घुटरता है तो उसकी पूरी शान दिखाता है, खूबसूरती दिखाता है कि मैं क्या चीज हूँ, तो शायद आपको ये भी चीज पसंद आए। तो भाई फीमेल पे आ जाते हैं हम लोग वापस से, इसकी आंख दिखा दी हमने, एक बार फिर देख लीजिए, लेकिन तब भी आप चोच का कलर, आंख का कलर और खुद का कलर सब लगभग एक जैसा है। और आप बोल रहे होंगे भाई कि क्या क्या देखने को मिलने वाला है, तो भाई आप थोड़ा और सब्र कीजिए, इसके बाद भी आपको अच्छे और भी ज़्यादा, जो अच्छे तो इनसे अच्छे भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कबूतरबाजी में कौन अच्छा कौन बुरा ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते, मेरे नज़र में सारे कबूतर अच्छे हैं। ये है बाबा भाई के पास के किंग साइज के जो पिजन है, ये सेकंड पार्ट देखा आपको, तीसरे पार्ट में मिलेंगे आपको, जहाँ पे सिर्फ आपको गोल्डन कबूतर दिखाने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा भाई, वेट कीजिए तीसरे पार्ट का। तो मैं हूँ आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन, मिलते हैं हम तीसरे पार्ट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, शब्बा खैर, गुड नाइट।